वुड स्टफ पिज्जा कुकिंग रामानगर नाम के गांव में उधम नाम का एक पिज्जा शॉप चलाया करता था। उससे बहुत घमंड था। उसके शॉप के आगे ही वुड स्टफ पर बद्री नाम का एक आदमी बहुत कम दाम पर ही टिफिन बनाकर गरीब लोगों को बेचता था। वो देखकर एक दिन बद्री के पास अपने असिस्टेंट से मिलकर उधव आया, फिर बद्री से उधव। क्यों रे कमीने, तेरा ये चीप टिफिन लगाने के लिए गांव में कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या? चुपचाप यहाँ से इसे निकालो वरना तुम्हें उठाकर फेंक देंगे। बद्री, देखिए सर, बड़ी बड़ी कार में घूमने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें भी करनी चाहिए। ये मेरी जगह है, यहाँ मैं चला रहा हूँ तो मेरे जैसे गरीब आकर खाएंगे, आपको क्या? उद्धव, रे स्टुपिड, अगर तुम यहाँ गरीब लोगों को टिफिन बेचते रहोगे तो मेरे पास आए अच्छे वाले कस्टमर्स ऐसे बेकार मुंह को देखते हुए खाएंगे क्या? कहते हुए उद्धव अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर बद्री के वुड स्टफ को नाश करके फेंक दिया। फिर बद्री से उद्धव, रे ये बस सैंपल है समझो, फिर कभी तुम्हें या तुम्हारे इस वुड स्टव को देखा तब तुम और तुम्हारा ये वुड स्टव दोनों नहीं बचेंगे, समझे? कहकर चले गया। फिर अगले दिन सुबह उसकी जगह पर जाकर फिर से बद्री अपने वुड स्टव को ठीक करके उसमें पिज्जा बनाना शुरू किया। अब वहाँ टिफिन करने के लिए कुछ मजदूर आए। बद्री को पिज्जा बनाते हुए देखकर एक मजदूर, क्यों बद्री भाई, आप भी अब हमारी फिक्र नहीं करते क्या? ऐसे महंगे पिज्जा बनाने लगे हो। यूं कहा तब बद्री उद्धव का सारा किया दरा सारे मजदूर को बताया। वो सुनकर मजदूर, वाह भाई आप सुपर हो, वो डराया तो बिना डरे उल्टा उसके मुकाबले में पिज्जा शुरू कर दिए। ठीक है भाई, जितना भी दाम है बताओ, हम खाएंगे, वो अमीर लोगों से मुकाबला करने हम भी खाएंगे। यूं कहा बद्री, भाई भूख के लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होता है, हमारा आइटम सही होना चाहिए, बस तब अमीर लोग भी यहीं आते हैं। मैं कुछ बड़े चीजों में पिज्जा तो नहीं रख रहा हूँ ना, सबको कम दाम पर ही पिज्जा बेचूंगा भाई। कहने से वहाँ मौजूद सारे मजदूर खुश हो गए। तब से बद्री अपने वुड स्टफ पर पिज्जा बनाकर बहुत कम दाम पर ही लोगों को बेचना शुरू किया। तब अमीर लोग भी वहीं आकर पिज्जा खाना शुरू किए। ऐसे धीरे धीरे बद्री का वुड स्टफ पिज्जा कुकिंग बहुत कम टाइम में ही फुल फेमस हो गया। वो देखकर एक दिन गुस्से से उद्धव अपने आदमी के साथ मिलकर उस वुड स्टफ को नाश करने के लिए आया, लेकिन उस पर गौर करते हुए लोग उद्धव और उसके आदमी को पकड़कर खूब मारे तो वो दोनों वहां से भाग निकले। देवीपुर नाम के गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था। उस स्कूल का प्रिंसिपल देवीलाल हर साल बच्चों को उनके गांव से 200 किलोमीटर दूर मौजूद एक प्रसिद्ध मंदिर को एक्सकर्शन के लिए ले जाता था। बच्चे वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक होते थे। एक बार देवीलाल स्कूल में प्रेयर के बाद बच्चों से, देखिए बच्चों, आप जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आ ही गया। हम इस महीने के 20 तारीख को एक्सकर्शन जा रहे हैं। इंटरेस्टेड बच्चे अपना नाम दे। कहा, बच्चे तालियां मारकर अपने खुशी का इजहार किए और खुशी खुशी अपना नाम दर्ज करवाए। वो दिन आ ही गया, बच्चे बस में बैठ गए। बस शुरू हुई, बच्चे बस में खेलने लगे थे। बस जंगल के रास्ते से जाने लगी थी, तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को बीच रास्ते में रोक दिया। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। देखिए बच्चों, हम सब यहाँ उतरकर थोड़ी देर खेलेंगे, शाम के समय का दर्शन बहुत अद्भुत होगा। कहा, बच्चे बस उतरे। देवीलाल, देखिए मैं और ड्राइवर अंकुल पड़ोस गांव में एक काम निपटा कर आएंगे, आप सब संभल के खेलना। रिंकू, पिंकी, तुम दोनों इंचार्ज बन के सबका ध्यान रखना, हम एक घंटे में आएंगे। कहा, बच्चे खेलना शुरू किए, सब खुशी से खेलने लगे। एक घंटा बीता, देवीलाल ड्राइवर अभी तक क्यों नहीं आए हैं सोचकर रिंकू पिंकी उनका इंतजार करने लगे। दो घंटे बीते, देवीलाल अभी तक नहीं आया, बच्चों को भूख लगने लगा। तीन घंटे बीतने के बाद बच्चे थक गए, सब बस के पास एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ गए। देवीलाल उन सबको जंगल में छोड़कर कहां गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब डरने लगे। इतने में उन्हें देवीलाल और बस ड्राइवर दूर से आते हुए दिखे, सब चैन की सांस लिए। देवीलाल और ड्राइवर अपने हाथों में ट्रे भर के अंडों के साथ लौट कर वहां आए। देवीलाल तब
देखे बच्चों, आपसे बोले तो आप लोग घबराओगे सोचकर हमने नहीं बोला था, मगर अपना बस ब्रेक डाउन हुआ था। मैकेनिक को यहाँ आने के लिए 2 घंटे लगेंगे, ऐसे होगा कहकर मैंने नहीं सोचा था, इसलिए मंदिर के पास ही भोजन का प्रबंध करवाया। होटल के लिए ढूंढते ढूंढते इतना लेट हुआ, पास में एक मुर्गियों के फार्म के अलावा और कुछ नहीं दिखा। बहुत मेहनत करके इन अंडों को ला पाए हैं। पिंकी, हमारे दादाजी ऑमलेट बनाकर बेचते हैं सर, मैं उनके पास रहकर ऑमलेट बनाना सीख गई। मैं सबके लिए ऑमलेट बनाकर दूंगी सर। रिंकू, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे पिंकी। बच्चे पिंकी की मदद करने लगे। पिंकी एक बड़े से तवे के ऊपर एक बड़ा ऑमलेट बनाई, उसे अच्छे से काट कर बच्चों को खिलाई, बच्चे पेट भर के खाए। इतने में मैकेनिक आकर बस की मरम्मत किया, सब पिंकी के लिए तालियां मारकर उसका अभिनंदन किए।